हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4। हमारा क्वेश्चन नंबर है 2। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 1 तक थी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू निकालनी है, यही बोला है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम के निकालेंगे, चलिए ठीक है। सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। यहां पर बोला है आपको जो के की वैल्यू निकालनी है वो ये ध्यान रख के निकालनी है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे। याद करो मैंने आपको बताया था दोनों के दोनों इक्वल रूट कब होते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं इफ देयर रूट विल बी इक्वल। अगर इनके रूट इक्वल होंगे सो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर माना जाता है। ये रूल मैंने बताया था आपको, अगर हमारे रूट इनके बराबर है। देखो दो रूट निकलते हैं, एक रूट इधर एक रूट उधर, ये दोनों सेम होंगे, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो अगर सेम है तो आपको पता है, अगर ये सेम होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के। नहीं पता तो बेसिक्स में देख लेना आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल जीरो। बच्चों बी क्या है एक बार आपको फिर से बताता हूं, जो वेरिएबल के साथ में होता है उसे बोलते हैं बी, और जो वेरिएबल स्क्वायर के साथ होता है उसे बोलते हैं ए, और जो बिना वेरिएबल के होता है उसे बोलते हैं सी, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज को बिठाते हैं। यहां पर बोल रहा है बी का होल स्क्वायर करो, तो बी तो ये है, हमने के का होल स्क्वायर कर दिया फिर माइनस बोला है, माइनस लगाया फोर, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करना इक्वल टू जीरो। चलिए देखिए ए क्या है हमारा, ए हमारा टू है और सी क्या है हमारा थ्री है। चलिए करते हैं, के का होल स्क्वायर होता है के स्क्वायर माइनस फोर को टू को थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर टू जा एट, एट थ्री जा 24 इक्वल टू जीरो। यहां पर जो माइनस का है उधर जाके हो जाएगा प्लस का, इधर आके प्लस का हो गया, ये होल स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट। अब बेटा जो रूट में 24 है उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइज, 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 6, 2 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1। देखो प्राइम फैक्टराइज करके क्या आ रहा है, एक बार दिखाता हूं मैं आपको, 2 × 2 × 2 × 3, ये जो भी वैल्यूज आती है इन सबको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो इसका तो पेयर बन रहा है, इसका तो सेट बन गया, ये टू तो बाहर आ जाएगा, रह का गया रूट में सिक्स रह गया, देखो टू थ्री जा सिक्स रह गया, ठीक है। अब बेटा जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो एक प्लस की भी हो सकती है और एक हो सकती है माइनस की, लेकिन आपको पता है प्लस की भी ले सकते हो माइनस की भी, तो देख लेना प्लस का होगा तो भी, प्लस का हो गया माइनस होगा तो भी, लेकिन हम लोग ना क्या करते हैं प्लस की लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने के की वैल्यू निकाल दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं ये जरूर आएगा, याद रखना ये जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे उतार लीजिए, बढ़ेंगे अगले पार्ट की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाला पार्ट है हमारा, पहले तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले हरेक से क्या होता है मल्टीप्लाई, पहले के एक्स को एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, आंसर आएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस साइन है इधर डाल दिया, अब के एक्स को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 2k और ये आ गया x, ठीक है। उसके बाद प्लस का 6 आ गया इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन ने बोला ही हुआ है हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट क्या होंगे इक्वल, अगर रूट इक्वल है, इफ देयर रूट्स विल बी इक्वल, अगर इनके रूट इक्वल होंगे सो डिस्क्रिमिनेंट होगा हमारा जीरो के बराबर। मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था, अगर किसी को नहीं पता तो इससे पहले वाली वीडियो जो बनी है उस पर जरूर जाकर देखना आप लोग। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सबको पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अब इज इक्वल टू जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये रहा, इक्वल के नीचे इक्वल, जीरो के नीचे जीरो। चलिए एबीसी एक बार लगा लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल स्क्वायर के साथ है उसे बोलते हैं ए, जो वेरिएबल के साथ में, जो भी वेरिएबल के साथ में उन सबको बोलेंगे बी, और जो बिना वेरिएबल के उसे बोलते हैं सी, ठीक है बच्चों। चलो वैल्यूज पुट करते हैं,
यहां पर बोला है बी का होल स्क्वायर, तो बी क्या हमारा माइनस का 2k और उसका होल स्क्वायर, यही है ना बी। फिर माइनस बोल रहा है 4 को मल्टीप्लाई करेंगे a से और c से, इक्वल टू 0। देखो 4ac, ये रहा 4ac, इक्वल की जगह इक्वल, 0 की जगह 0, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं, a क्या हमारा k, और हम यहां पर c की वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारा 6। माइनस के 2k का होल स्क्वायर है, माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 2 को दो बार करोगे 4 आएगा, और k को दो बार मल्टीप्लाई करोगे k स्क्वायर। मैं दो बार क्यों कर रहा हूं, पावर पे 2 है, अगर पावर पे 3 होता 3 बार मल्टीप्लाई करता, पावर पे 4 होता तो 4 बार, माइनस ये रहा, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, 4 को k से करोगे 4k, 4k को 6 से करोगे 24k आ गया। एक काम करो इसको भी उधर भेजो, ये माइनस क्या हो जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, देखो 24k आ गया, आया 24k। अगर किसी को डाउट है सर वहां क्यों भेजा, देखो पता चल जाएगा, यहां पर k क्या हो रहा है इससे मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना, यहां पर k मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड हो गया, डिवाइड का मतलब dr पे। देखो एक k से एक कट कर गया, देखो k से ये कट गया, पता है ना k बचेगा, सिंगल k बचेगा, यहां पर 4 हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड। और आप लोग देखिएगा ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप खुद देख लेना, और प्लीज ये आपके लिए छोड़ा है मैंने, आप खुद कर लीजिएगा इसे। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन मैंने उतार दिया, चलिए इसे पढ़ते हैं क्या कह रहा है देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक मैंगो ग्रूव बनाए, मतलब एक आम का बगीचा बनाए। चलिए देखते हैं, ऐसा आम का बगीचा बना रहे हैं हम, ये मैंगो ग्रूव है हमारा, आम का बगीचा है, ठीक है। वो कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ऐसा आम का बगीचा जो रेक्टेंगल के आकार का होगा डिजाइन करेंगे, जिसकी जो लेंथ होगी वो ब्रेथ से दुगनी होगी, मतलब ये जो लेंथ है वो बड़ी होगी ब्रेथ से। हमें ब्रेथ तो पता नहीं है बच्चों, देखो पहले तो बता दूं ये ब्रेथ होता है और इन्हें कहते हैं लेंथ। वो कह रहा है ये आम का बगीचा हम कुछ ऐसा डिजाइन करेंगे इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी होगी, मतलब कि अगर मैं बोलूं ब्रेथ 4 है तो लेंथ होगी 2 × 4, दुगनी, दो गुनी, दुगनी को कैसे बोलेंगे तोड़ के पढ़ो, दो गुनी। अगर मान लो ब्रेथ है हमारी 5 तो ये उसका भी दो गुना होगा, दो गुना कर दिया, कर दिया दो गुना। चलिए देखते हैं, अगर हमने बोल दिया ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं है, ब्रेथ को मान लिया मैंने एक्स, तो ये क्या होगा 2x हो जाएगा, उसमें दो गुना कर दिया, ठीक है दुगना, लेंथ भी आ गई ब्रेथ भी आ गई। और वो कह रहा है एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, क्या ऐसा पॉसिबल है। अब हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे इक्वेशन इस पूरी प्रॉब्लम से। तो जैसा कि यहां पर मैंने लिया है, वैसे मैं लिखकर दिखाता हूं, लेट ब्रेथ, हमारा जो मैंगो ग्रूव है उसकी ब्रेथ हमने क्या मानी है एक्स, एक्स मानी है, हमारी लेंथ कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें, बोला गया था कि जो लेंथ है वो ट्वाइस होगी ब्रेथ की, इसका दुगना होगा, दो गुणा होगा, कर दिया दो गुणा, और मैंने यहां पर भी कर रखा है। अब उसने क्या है एरिया 800 मीटर स्क्वायर होगा, एरिया क्या होगा इस एरिया ऑफ इस रेक्टेंगल का क्या होगा एरिया 800 मीटर स्क्वायर, मैं मीटर नहीं लगा, यूनिट्स नहीं लगा यार, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एक फॉर्मूला है, मैंने बताया था फॉर्मूले की वैल्यू दे रखी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला नीचे पुट करें, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है हमारी आप देख सकते हो 2x, इनटू में ब्रेथ कितनी है हमारी x, इक्वल टू 800। इन्हें सॉल्व करोगे 2x को x से करोगे 2x स्क्वायर हो गया और यहां पर आ गया 800। आपको पता है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें तो वो x वाला है ही नहीं, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, पहचान ये होती है सिंपली कि हमारा वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, पहले तो एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, आप देखो एक ही टाइप का वेरिएबल है x ही है और उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है 2, ठीक है ये हमारा क्वाड्रेटिक है। अब अगर मैं इसे नॉर्मली भी सॉल्व करूंगा तो नॉर्मली हो रहा है, सबको पता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड हो गया 2 डिवाइड, देखो
तो इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो गया है। वैसे तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा। जब ये आसानी से हो रहा तो कर लो, 2 को इसे काटेंगे 1 और ये 400 बाद। आपको पता है स्क्वायर हो तो क्या क्या बनेगा, रूट, रूट में आ गया 400। अब यार रूट 400 की वैल्यू एक काम करते हैं, निकाल ले, 2 के पहाड़े में 200, 100, 50, 25, 5 और 5। देखो भाई जो भी है यहां पर लिख लेता हूं मैं, अगर आप इसका निकालोगे भी तो 20 बाहर आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट पता होगा आप लोगों को, 120, देखो जो भी वैल्यू निकलेगी प्लस और माइनस की निकलेगी 20 बार आ गया। रूट 400 को सॉल्व करोगे तो 20 बार आएगा। एक बात बताओ, क्या इसका रूट निकल गया, आराम से निकल गया? बेटा इसका आंसर निकल गया, मतलब कि ऐसा रियल जिंदगी में हो सकता है। मैं बोलूंगा यस इट इज पॉसिबल, ये बहुत ज्यादा मतलब संभव है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन बनाए, एक ऐसा आम का बगीचा बनाए रेक्टेंगल के आकार का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ आप देख सकते हो, जिसकी लेंथ है और ब्रेथ हमारी मल्टीप्लाई, मतलब लेंथ और ब्रेथ ये होगी। वो क्वेश्चन कह रहा था अगर ऐसा पॉसिबल है, इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल होगा तो हम कैसे पता करेंगे? प्रॉब्लम को पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर उसका सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन अगर उसका निकल रहा है आसानी से, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल है। और अगर नहीं निकलता, मानो रूट के अंदर आ रही है नेगेटिव वैल्यू, मतलब जिसे मैं आगे सॉल्व ही नहीं करता, मतलब ऐसा कोई रेक्टेंगल बन ही नहीं पाता, लेकिन हमने तो सॉल्व किया और आसानी से आंसर आ गया ना, तो मतलब कि ऐसा पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। हाँ बच्चों, ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप को बनाए जिसका लेंथ और ब्रेथ ये होगा और उसका एरिया होगा 800। चलिए उसके, अगर उसने बोला ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ बताएं। लेंथ कितनी हम देख लेते हैं, हमने कितनी मानी है, लेंथ हमारी देख सकते हो 2x है, एक्स हमारा देखो प्लस का भी 20 है माइनस का भी, लेकिन मैं प्लस का लूंगा, एक्स की जगह पे 20 रखा 40 आ गया, ठीक है। अब ब्रेथ निकालते हैं बच्चों, ब्रेथ देखोगे तो आपकी एक्स है और एक्स हमने क्या माना है प्लस का 20। लो मैंने लेंथ और ब्रेथ दोनों बता दी, ये आई है 40 और ये आया है ब्रेथ 30। देखो ऐसा पॉसिबल है और मैंने देखो इस प्रॉब्लम की ऐसे मैंने आंसर भी निकाल दिया इनका, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला था अगर ऐसा पॉसिबल होगा, इफ सो, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालो, ठीक है। और मैं कैसे पता करूंगा, दोबारा बता रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद आप आंसर निकाले, अगर आंसर में रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, जिसे नॉट रियल कहते हैं, है ना, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। प्लीज बच्चों से कर लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर होगी, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल होगी तो हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, वरना नहीं। तो चलो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर, दो दोस्त हैं जिनकी एज को जोड़कर 20 आ रहा है, तो चलिए दो दोस्त बना देते हैं अच्छे से सुंदर सुंदर। क्या बनाते हैं, ये हो रहा है, ये पहला दोस्त है और ये हमारा दूसरा दोस्त है बच्चों, दो दोस्त हैं, एक का नाम हो जाएगा ध्रुव और एक का नाम हो जाएगा अक्षय, ये बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं मेरे ट्यूशन के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे यहां पर ये दो बच्चे हैं, इन दोनों दोस्तों की अगर मैं एज को जोड़ू, सम करूं, इसकी उम्र और इसकी उम्र को जोड़ दू तो 20 आएगा, कितना आएगा 20। तो चलिए बच्चों देखो एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं बोल रहा हूं इन दोनों की एज को जोड़कर 20 आ रहा है, इसकी उम्र 5 है तो ये क्या होगा, 20 - 5 ये होगा। लेट सपोज मैं कह रहा हूं इन दोनों की एज को जोड़कर 20 आता है, ये 10 है तो ये कितना होगा 20 - 10, है ना, 20 में से 10 को माइनस करो। मैं बोलूं कि अगर इनकी एज है, इसकी एज है 13, तो ये क्या होगा 20 - 13, ये होगा सिंपल। तो इस हिसाब से मुझे तो नहीं पता, पहले वाले की एज मैंने एक्स मान ली, तो ये क्या होगा 20 - x, ये होगा। ध्यान से सुनना आगे, पहले वाले दोस्त की लेट फर्स्ट फ्रेंड एज,
जो पहला दोस्त है उसकी एज मैंने मान ली एक्स, जो दूसरा दोस्त है उसकी एज हमारी क्या आई है 20 माइनस एक्स, है ना। 4 years ago, 4 साल आपका पहले, 4 years ago मतलब 4 साल पहले चले गए। चलो भाई 4 साल पहले चले जाते हम भी, 4 years ago, अब 4 साल पहले की बात है भाई, तो देखते हैं भाई 4 साल पहले दोनों लड़के हैं, 4 साल पहले की बात है, या एक बात बताओ, वो कह रहा है 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, 4 साल पहले जो भी इस लड़के की उम्र होगी और जो भी नहीं, जो भी इस लड़के की उम्र थी, होगी नहीं थी, 4 साल पहले, हम भूतकाल पास्ट में जा रहे हैं बच्चों, इस लड़के की जो भी उम्र थी और इस लड़के की जो भी उम्र थी उनका अगर प्रोडक्ट करें तो आएगा 48, आ रहा था 48। चलो देखते हैं 4 साल पहले कितने का था, अभी तो एक्स का है, 4 साल पहले के लिए 4 माइनस कर देंगे इसकी उम्र, कर देंगे इस लड़के का, देखते हैं अभी 20 माइनस एक्स है, उसके बाद इसमें से 4 माइनस कर देंगे। अच्छा इसे माइनस करके क्या आ जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ये रही इसको, ठीक है। 4 साल पहले ये जो लड़का था 20 माइनस एक्स का है, ठीक है, 4 सॉरी बच्चों ध्यान से सुनना, अभी ये लड़का 20 माइनस एक्स का है, 4 साल पहले था 16 माइनस एक्स, अभी ये लड़का जो है वो x का है और 4 साल पहले x माइनस 4 का था, उसने बोला है प्रोडक्ट करना है इनकी एजेस का, पहले दोस्त की एज मल्टीप्लाई बाय दूसरे दोस्त की एज, इन दोनों दोस्तों की उम्र का करना है प्रोडक्ट, और कौन सी उम्र, 4 साल पहले की, आएगा 40। तो भाई देख लो, 4 साल पहले की उम्र लेनी है, ये मत लेना, ये वाली लेना, कितनी है x माइनस 4, दूसरे दोस्त की 4 साल पहले की उम्र कितनी है 16 माइनस एक्स, ऊपर वाली तो प्रेजेंट है यार, वो नहीं लेनी, इनको करा 48। तो चलो करते हैं सॉल्व, पहले x को इन दोनों से करेंगे, x को करा 16 से आ गया 16x, ठीक है, फिर x को करा माइनस के x से आ गया माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 4 को 16 से करा माइनस का 64, माइनस के 4 को माइनस के x से करा आ गया प्लस का 4x। चलिए इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला सेम लग रहा है, पहले तो माइनस के x स्क्वायर पे दिख रहा है माइनस के x स्क्वायर, इसको यहां लिखो, इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस का 20x आएगा, ये रहा माइनस का 64, जो इधर प्लस का 48 है इधर आके माइनस का होगा। देखो ध्यान से, माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले साइड में करा, ये और ये इन्हें सॉल्व करोगे आएगा 20x, माइनस का 64 एज इट इज, जो इधर प्लस का था वो इधर आके माइनस का होगा, अब उधर कुछ नहीं है तो जीरो, इन्हें सॉल्व करोगे 8 6 12 6 4 10 11, 112 आ गया, ठीक है बच्चों, वो भी माइनस का, इक्वल टू जीरो, ये बन चुकी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक काम करेंगे बच्चों, जल्दी से आप लोग इसे उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे सॉल्व, अगर इसका रूट प्रॉपरली निकल गया तो पॉसिबल है भाई, हो सकता है, और अगर गलती से रूट में नेगेटिव नंबर आ गया, रूट के अंदर वो जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होते ना, नेगेटिव आया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए बच्चों करते हैं, तो बच्चों पहले एबीसी पता करते हैं हम लोग, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, एक्स वेरिएबल स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, वेरिएबल वाले को बी, और जो बिना वेरिएबल के वाला है वो सी, ठीक है। चलिए करते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, एक्स इज इक्वल टू, ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस की जगह पर लगाएंगे माइनस, अब बोला बी लिख लेगा 20 है, फिर प्लस माइनस बोला है बी का होल स्क्वायर करो, हम 20 का कर देंगे होल स्क्वायर, फिर है माइनस 4 को मल्टीप्लाई करना है ए से और उसके बाद करना है सी से, नीचे 2 को ए से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट जो इसको भूल जाते हैं, नीचे वाले को ध्यान नहीं रखते, वो ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। चलो यहां पर ए लगा देते हैं, क्या है माइनस 1, और यहां पर सी लगा देते हैं 112,
और यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर हम देखते हैं आएगा a माइनस का माइनस 20 प्लस माइनस 20 का होल स्क्वायर करोगे 400 आएगा। इन सबको ना मल्टीप्लाई करना है 4 को 1 को और 112 को। पहले साइन को कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं 4 1 4 इसको करेंगे 4 4 8 आ गया 448 आ गया। क्या आ गया 448, नीचे आ रहा माइनस का 2। आगे करते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 20 और प्लस माइनस, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 48 आया और मैं नहीं कर रहा था क्योंकि आप सब जानते हैं रूट में आ गया नेगेटिव, जो कि 10वीं क्लास तक तो पॉसिबल है ही नहीं और असल जिंदगी में भी हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, और जब नहीं है तो क्यों निकालेंगे प्रेजेंटेज। क्वेश्चन ने क्या बोला था, अगर ऐसे हालात असली में होंगे तो निकालो। भाई असली में तो है ही नहीं, रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है, रूट में नेगेटिव नंबर इस बात का संकेत है ये नॉट रियल है। क्या है? नॉट रियल। और नॉट रियल में हम इसे नहीं करेंगे। प्लीज बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो ध्यान से पहले हम इसे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा संभव है कि हम एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करें, एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन कर रहे हैं ठीक है, जिसकी हमारी जो लेंथ होगी सॉरी जिसका जो हमारा पेरीमीटर है वो 80 है, मतलब इस पूरे का पेरीमीटर कितना दे रखा है 80। पेरीमीटर तो बच्चों इसका 80 दे रखा है, और यहां पर देखना एरिया कितना बोला हुआ है, इसका एरिया बोला है 400 मीटर स्क्वायर बोल रहा है, यूनिट यूज कर रहा है। या क्या ऐसा संभव है हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करें खुद से जिसका पेरीमीटर मतलब बाहर की बाउंड्री तो 80 आ जाए और एरिया कितना है 400। तो चलो चेक करते हैं, हमें लेंथ और ब्रेथ तो पता ही नहीं है, तो मैंने आपको बोला था ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में इसको मैंने एक्स मान लिया और इसको मान लिया वाई क्योंकि है ही नहीं हमारे पास। अब बहुत बच्चों को डाउट होगा सर दो वेरिएबल क्यों लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिर्फ एक ही टाइप का वेरिएबल होता है। तो आगे आगे देखो होता है क्या, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, जो इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, देखो डिवाइड हो गया लेंथ की, देखो 2 तो उधर चला गया इधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाके डिवाइड हो गया। लेंथ की जगह पर रखूंगा x प्लस ब्रेथ की जगह पर रखूंगा y, ये कट के आ गया 40, दिख गया 40 आ गया। चलो ठीक है अब आगे क्या सॉल्व हो रहा है रहने देते हैं, इस पे आते हैं। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 400। लेंथ की जगह पर आप x लगाओगे, ब्रेथ की जगह पर लगाओगे y इक्वल टू 400। लेकिन प्रॉब्लम है यार मुझे y नहीं चाहिए, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, अगर आप लोग ऊपर वाली इक्वेशन देखोगे यहां से y की वैल्यू निकल सकती है। क्या ये x प्लस y इज इक्वल टू 40 है ना, मैं y को यही रखूंगा, ये 40 है, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का होगा। देखो मैंने y की वैल्यू डेरिवेट करी x की टर्म में, कर दी ना, y की जगह पर 40 माइनस x लगा देंगे, 40 माइनस x, देख लो बेटा जो y था वहां पे 40 माइनस x लगा दिया, मल्टीप्लाई हट गया, ब्रैकेट बना दिया उसकी जगह पर, ब्रैकेट इज ऑल्सो द साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इज दैट क्लियर। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, आ गया 400। चलो इसे ढंग से लिखते हैं, माइनस के x स्क्वायर को यहां लिख दिया, प्लस के 40x को ये लिख दिया, ये प्लस का 400 है, इधर आके माइनस का हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई है। तो अब आप लोग देख सकते हैं अब इसे करेंगे सॉल्व, अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ गया तो पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता। चलिए करते हैं सॉल्व आगे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन उतार दिए, इसे सॉल्व करते हैं, हमारे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, वन लगा लेते हैं हम। चलिए एबीसी देख लेते हैं पहले, जो वेरिएबल स्क्वायर के साथ है ए, जो वेरिएबल के साथ है बी, और जो बिना वेरिएबल के है वो सी। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यह है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। माइनस की जगह माइनस, बी हमारा 40 है, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बोला है 40 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू 8 इंटू सी, बड़ा बड़ा हुआ। ए की जगह पर आएगा माइनस 1 और सी की जगह पर आएगा माइनस 400,
नीचे बोला है टू और एक लगा दिया, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसे। ध्यान से देखो, अगर मैं 400 को दो बार मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 1600। ये साइन को एक बार सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 1 से करेंगे 4 और 4 को 400 से करेंगे 1600। नीचे आ गया, माइनस कर दो, माइनस का 40 प्लस माइनस 1600 में से 1600 गया जीरो। भाई रूट में नेगेटिव नंबर है नहीं ना, तो ये हो सकता है, तो चलिए करते आगे। रूट के जीरो में से क्या बाहर निकलेगा, यहां देख लेते हैं, थोड़ा यहां पे कर देता हूं, दो जगह बांट दिया, माइनस का 40, ये रहा माइनस का 2, माइनस का 40 और ये रहा माइनस का 2। रूट जीरो में से जो वैल्यू बाहर आएगी वो होती है जीरो, ये देखो आ गई जीरो, यहां पर भी आ गई जीरो। एक जीरो तो आएगा प्लस का और एक जीरो आएगा नेगेटिव। जीरो की कोई वैल्यू होती है, हटाओ उसको, उसका साइन भी हट गया। माइनस 40 अपॉन में माइनस 2, माइनस से माइनस कटा 20 आ गया, यहां पर भी माइनस 40 अपॉन में माइनस 2, जीरो हट गया, उसका साइन भी हट गया, आ गया 20। एक्स आपको पता है दोनों जगह 20 आ गया, और मैंने आपको बताया कभी कभी रूट इक्वल भी आते हैं, ये पॉसिबल है। हमें निकालना क्या है, लेंथ और ब्रेथ, तो चलिए लेंथ निकालते हैं। लेंथ आपको पता है हमने क्या मानी है, एक्स, एक्स आप कोई सा भी चुन लो, दोनों प्लस के 20 ले लेते हैं, और ब्रेथ अगर आपको याद हो तो ये हमारी वाई, जिसको हमने बोला था शायद से 40 माइनस एक्स, आप लोग देख लेना 40 माइनस एक्स बोला था, 40 की जगह 40 आया माइनस और एक्स की जगह क्या है 20, लो आ गया 20। तो मैं बोलूंगा हां ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा रेक्टेंगल, लेंथ है उसकी कितनी 20 और ब्रेथ भी हमारी है कितनी 20, ठीक है, हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमारी 20-20 है बेटा, हाँ ये रेक्टेंगल है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, रेक्टेंगल भी बोलते हैं इसे क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है ना, हाँ ऐसा पॉसिबल है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर क्या होगा हमारा 80 और जिसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा 400 मीटर स्क्वायर। पक्का क्लियर है बच्चों, पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि हमारे रूट्स आराम से निकले, ये जो रूट में जो वैल्यू है ना ये नेगेटिव अगर होती है हम वही रुक जाते हैं और ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन नहीं हुआ, रूट में वैल्यू जो आई है पॉजिटिव आई है, हम इसे सॉल्व कर पाए। तो बच्चों यहां पर हो गया इस पूरे चैप्टर का दी एंड, तो अब मैं मिलूंगा आपसे किसी नए चैप्टर के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाय।